YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। आरक्षण मसले को लेकर झारखंड वैश्य संघर्ष मोर्चा की आवश्यक बैठक बैरिया स्थित हाउसिंग कॉलोनी में बुलाई गई। बैठक में मुख्य रूप से मोर्चा के केंद्रीय कमेटी अध्यक्ष महेश्वर साहू, महासचिव शंकर प्रसाद गुहा, प्रोफेसर सूर्य नंदन के अलावा जिला कमेटी के पदाधिकारी और सदस्य दर्जनों की संख्या में शामिल हुए। पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% आरक्षण की व्यवस्था करने के अलावे आज की बैठक में संगठन मजबूती और एकता बनाए रखने पर भी व्यापक रूप से विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर जिला संयोजक पद पर सर्वसम्मति से अमित आनंद का मनोनयन किया गया, जबकि कमल गुप्ता को केंद्रीय कमेटी सचिव बनाए जाने की घोषणा भी चुनाव प्रभारी द्वारा कर दी गई। बैठक के दौरान वक्ताओं ने कहा कि झारखंड वैश्य संघर्ष मोर्चा द्वारा अपने हक व अधिकार के लिए आगामी 12 नवंबर को राजभवन के समक्ष त्राईमाम धरना का आयोजन किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके माध्यम से सरकार की तंद्रा भंग की जाएगी। कहा कि आगामी स्थापना दिवस की मौके पर 27% आरक्षण मिलने की घोषणा करने संबंधी मांग पत्र भी सरकार को भेजी जा चुकी है। झारखंड वैश्य संघर्ष मोर्चा आगामी 12 नवम्बर को राजभवन रांची में त्राईमाम महाधरना का आयोजन हम लोगों ने किया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी को हम लोगों ने कई बार ज्ञापन सौंपा है और आग्रह किया है कि झारखंड में पिछड़ों को जो 14% आरक्षण दिया जा रहा है वो सरासर इनके साथ अन्याय है, यह बढ़ाकर पूर्व की भांति 27% किया जाए ताकि यहाँ झारखंड के जो पिछड़े समाज के बच्चे हैं जिनको शैक्षणिक स्तर पर जरूरत पड़ती है सुविधा की और जिनको रोजगार का मामला सामने आया है तो ऐसे लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। और भी कई मांगे हैं जिसमें वैश्य आयोग का गठन करना, अस्थाई जाति प्रमाण पत्र बनाना, इन तमाम चीज़ों को लेकर झारखंड वैश्य संघर्ष मोर्चा लगातार लड़ती रही है और 12 नवंबर का भी महाधरना इसी लड़ाई का एक अगला कड़ी है। 11 नवंबर को हम लोग रांची सहित तमाम जिला मुख्यालयों में मशाल जुलूस भी निकालेंगे और इस लड़ाई को हम लोग मुकाम तक पहुंचाएंगे।